चीन से प्यार भारत परिवार मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी और शिंदे की शिवसेना। कर्नाटक में टिकट बंटवारे को लेकर बढ़ सकती है बीजेपी की उलझन, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चीन से प्यार भारत परिवार, राहुल गांधी के बयानों पर जयशंकर ने चुन चुन कर दिया जवाब। दिया ब्रिटेन में कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी द्वारा चीन पर की गई टिप्पणियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल पर उनके इन बयानों के लिए हमला बोला है। जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी को चीन पर लट्टू होते और भारत की अपेक्षा करते देखा उन्हें परेशान करता है। जी हाँ, चीन की चुनौतियों से निपटने के प्रति नजरिए को लेकर राहुल की तरफ से विदेश मंत्री और सरकार को निशाना बनाए जाने के कई दिनों बाद जयशंकर ने ये प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते ये देखकर परेशान हो जाता हूँ कि कोई चीन पर तो लट्टू है मगर भारत की उपेक्षा कर रहा है। जी हाँ, एक कार्यक्रम में बोल हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आप जानते हैं कि जब वो चीन की बात करते हैं तो कौन सा शब्द उनके दिमाग में आता है, सौहार्द। जी हाँ, लेकिन भारत के लिए वे एक शब्द वैमनस्य का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल में के जवाब में जयशंकर ने राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं की तुलना की थी। जी हाँ, जयशंकर ने कहा कि राहुल ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चीन कितना महान मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, चीन ने अच्छा काम किया है और ऐसा कोई नहीं कर सकता, मगर जब इसकी बात भारत के संदर्भ में की जाती है तो राहुल गांधी इसको हर संभव तरीके से नीचा करके दिखाते हैं। जी हाँ, जयशंकर ने आगे कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मेक इन इंडिया काम नहीं करता। जब भारत ने कोवैक्सीन बनाई तो यही कांग्रेस कह रही थी कि कोवैक्सीन काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि आप दूसरे देशों की प्रगति का आंकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, इससे कुछ गलत नहीं है, मगर अपने देश को नीचा दिखाने की बात करना गलत है। जी हाँ, जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी पर भारत के राष्ट्रीय मनोबल को कम करने की कोशिश की है। जयशंकर ने कहा कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं डरा रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय मनोबल को इस प्रकार क्यों कम कर रहा है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, अब हम सुरक्षा पर भी नजर डालते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ब्रिटेन में चीन की तारीफ करते हुए बेल्ट एंड रोड पहल की बात करते हैं। जी हाँ, जयशंकर ने कहा कि चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर से होकर गुजरती है। जी हाँ, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सब प्रभुता का उल्लंघन है। जी हाँ, मगर राहुल इस बारे में एक शब्द नहीं बोल सके। मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी और शिंदे शिवसेना। जी हाँ, इस नेता का आया बड़ा बयान। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी एवं शिवसेना राज्य के अन्य घटक दलों के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों में 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारों पर अब तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। बावनकुले ने कहा, बीजेपी एवं शिवसेना राजद के अन्य घटक दलों के साथ गठबंधन में 48 लोकसभा सीटों एवं 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एवं शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में और सीएम शिंदे एवं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच समन्वय में 200 सीटें जीतने के लिए तैयार आरंभ कर दी है। जी हाँ, हाल ही में चुनाव आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के तौर पर मान्यता दी थी तथा उसे पार्टी का तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। जी हाँ, ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी 240 सीटों पर और शिवसेना 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बावनकुले ने कहा इसके सिलसिले में एक बैठक हुई थी तथा भविष्य में बैठक होगी। जी हाँ, उन्होंने कहा एक क्लिप को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया, बीजेपी शिवसेना गठबंधन 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तथा 200 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। जी हाँ, अब तक कोई सीट बंटवारे फॉर्मूला तथा तय नहीं किया गया है। जी हाँ, केंद्रीय और राज्य नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा की महाराष्ट्र
इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच होगा तथा शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल या निशाना होगा। कर्नाटक में टिकट बंटवारे को लेकर बढ़ सकती है बीजेपी की उलझने, येदियुरप्पा पर टिकी निगाहें। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा दक्षिण में अपने एकमात्र दुर्ग कर्नाटक को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। जी हां, लेकिन टिकट को लेकर बने हालात में चिंता भी बढ़ा दी है। भाजपा का अधिकांश दारोमदार पूर्व मुख्यमंत्री बीएम येदियुरप्पा पर टिका है। जी हां, अब उनका भी कई क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सत्ता विरोधी माहौल की खाद के लिए टिकटों का कटने व नए चेहरे को लाने की भाजपा नेतृत्व की कवायद पर गहरा असर पड़ सकता है। जी हां, कर्नाटक के लिए इस महीने के आखिरी में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। हालांकि राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही जोर पकड़े हुए है और अब टिकट तय करने का सबसे अहम मामला सामने आया है। जी हां, येदियुरप्पा कह चुके हैं कि अधिकांश विधायकों को फिर से टिकट मिलेगा, इसके बाद कई जगह नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, हाल ही में एक मौजूदा विधायक को हटाने के लिए दबाव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते येदियुरप्पा को अपना कार्यक्रम रद्द भी करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी गंभीर है, खासकर उन सीटों पर जहाँ दूसरे दलों से आए नेता विधायक बने हैं। जी हाँ, इनमें कुछ को लेकर रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन राजनीतिक व सामाजिक समीकरणों की मजबूरी भी है। जी हाँ, चेहरे बदलने व ना बदलने दोनों ही स्थितियों में चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी फिलहाल ज्यादा टिकट काटने की स्थिति में नहीं दिख रही है। येदियुरप्पा को पार्टी ने चुनाव अभियान में आगे रखा है। जी हां, लेकिन कई मामलों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को आगे रखा जाएगा, खासकर उम्मीदवार बदलने जैसे मुद्दों पर पार्टी येदियुरप्पा के बजाय बोम्मई को आगे रख सकती है, ताकि उम्मीदवारों को लेकर विवाद से उन्हें दूर रखा जा सके। जी हां, वैसे भी केंद्रीय नेतृत्व व येदियुरप्पा दोनों का भरोसा बोम्मई के साथ है। जी हां, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भाजपा की केंद्रीय टीमें भी राज्य में अगले सप्ताह से मोर्चा संभालेगी और राजनीतिक तैयारियों में जुटेगी। इनमें अन्य राज्यों के राजनीतिकार भी शामिल रहेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइपो, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चेहरे दर्शकों, देखा भी लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।